तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए यानी 19th of January के लिए एनालिसिस करेंगे। अभी टाइम है 18th of January और 2 मिनट मार्केट को अभी बंद होने में बाकी है, 3:28। ठीक है, और आपने देखा होगा दोस्तों क्या हाल हुआ है। और डिस्क्लेमर तो वैसे ये है, और ये इसको भी देख लीजिए, ऐसा ही कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है दोस्तों, आपके प्रॉफिट एंड लॉस का मैं कहीं से भी जिम्मेवार नहीं हूंगा। प्रॉफिट हो मुबारक आपको, लॉस हो भैया आपकी अपनी गलती है। ठीक है, प्रॉफिट भी आपकी अपनी, सीख रहे हैं आप कर रहे हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं। आइए देखा ये कैसे जबरदस्त तरीके से गिरा। आप मार्केट इसको निफ्टी को देखो, आना तो नीचे था पर चाल कैसे खेलते हैं, मतलब फंसाते कैसे हैं आप वो देखिए। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं उस चीज के बारे में। ठीक है, पिछले 3-4 दिन से मैं बोल रहा हूं कि ऊपर मिले सेल करो, ऊपर मिले सेल करो, ऊपर मिले सेल करो। इसने क्या, आज भी इसने क्या किया, इसने क्या किया, ये नीचे का लो दिखाया आपको, सॉरी इसको मैं लगाता हूं 30 मिनट, ये यहां पे नीचे का लो दिखाया एक 180 के आसपास का, वहां से दोबारा खींच दिया, ये रहा ये 180 के आसपास को लो लगाया, वहां से दोबारा खींच दिया, यहां से भी एक बार नीचे लो लगाया, दोबारा खींच दिया। मतलब जब भी, और आपको मतलब दिमाग में डाल दिया कि नीचे जाते ही ऊपर आ जाता है, नीचे जाते ही ऊपर आ जाता है। बट अगर आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल की नॉलेज है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत भी कुछ पता है, देर सवेर होगी बट आपको दिशा पता है, तो आप खड़े रहोगे अपनी स्टडी पे, अपने एनालिसिस पे खड़े रहोगे। ठीक है, ये इस लाइन का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है और इस लाइन ने इसको बार बार बचाया है। ठीक है, बट ये अभी भी ये 10 EM में टच नहीं हुआ, अभी भी नहीं टच हुआ। कल होगा क्या, ये 10 EM में यहाँ से 18,080 के लगभग कुछ ऐसे करके आ जाएगा, बट यहाँ पे तो अभी पोजीशन नील करके ही जाना ठीक ठाक है, मैंने सब कुछ काट कूट लिया है। हालांकि ये टच नहीं, अब कल मुझे लगता है मार्केट नीचे ही आना चाहिए, कल भी नीचे आना चाहिए। मेरा व्यू कल के लिए भी नेगेटिव है, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, जब मार्केट कितने बजे अभी बंद हो चुका है, कि मैं कल के लिए भी मार्केट में नीचे की तरफ ही देख रहा हूँ, नीचे की तरफ ही देख रहा हूँ। ठीक है, अभी दोस्तों कितने लोगों को, मेरे को भला बुरा बोलने से कुछ नहीं होने वाला, मेरे को अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग सीखेंगे तो, अगर आप लोग सीखेंगे तो ठीक है, जिसने सी में प्रॉफिट बनाया अच्छा है, यहां से बाई करके सी में प्रॉफिट बनाया बहुत बढ़िया बात है, पर नीचे से ऊपर जाएगा ये पक्का नहीं था, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आपने बना लिया बहुत अच्छी बात है, नीचे से ऊपर जाएगा ये पक्का नहीं था, बट ऊपर से नीचे आएगा ये पक्का है, क्योंकि 10 EM में नीचे की तरफ है। तो हमेशा जिसने यहां पे बाई करके पैसा बनाया उसको अच्छी बात, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, बहुत बढ़िया चीज है, पर जिसने ऊपर से नीचे सेल मारा है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे की तरफ सेल मारा है, टेक्निकल को जान के बढ़िया तरीके से अच्छा पैसा बना, ठीक है, मार्केट थोड़ा तंग जरूर करता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारा EMA ऊपर आ जाता है, तो भैया मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं आता यार, मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं आता, ये इसी जगह खड़ा रहेगा तो फिर EMA किसका, EMA होता ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगले दिन ये थोड़ा सा और ऊपर मिलेगा आपको 50-60 पॉइंट, अगले दिन और ऊपर मिलेगा, तो ऊपर प्ले करना आना चाहिए। ठीक है, अब ऊपर आ जाता है तो ये भी तो बता रहा है आपको कि भैया दिशा नीचे की तरफ है, दिशा इसकी तरफ है। ठीक है, तो पर इसलिए आपको बाई साइड नहीं रहना है, ये भी तो बता रहा है कि मैं नीचे की तरफ हूं, निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो भैया बाई साइड मत रहो, क्योंकि उसको मेरा चुम्मा लेने के लिए आना पड़ेगा, तो कौन सी चीज ज्यादा है। ठीक है, कौन कह रहा है कि आप इसके लिए शॉर्ट करो, मत करो शॉर्ट, बट बाय नहीं बनता था। मैं ये भी बोल रहा हूं लोगों की किस्मत अच्छी है जिन्होंने यहां से बाय करके पैसा बनाया, उनकी किस्मत अच्छी है, ये ऐसे मौके हर बार नहीं मिलते। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ दिखाता हूं, देखिएगा ये तो यहां इसने टाइम बिता दिया, ये देखिए क्या यहां पे कंसोलिडेशन बना, इसको टच करने से पहले ये 10 EM में ये गैप बना हुआ है, क्या यहां पे कंसोलिडेशन बना, ठक करके 300-400 पॉइंट 2 दिन में गिर गया, 7,000
17,800 से लेके सीधा दो दिन में 17,380। ये देख लीजिए आप, इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, ये है सितंबर की 17 तारीख की कैंडल है। इससे पहले अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, ऐसे बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहा है। यहाँ 17,800 से 450 पॉइंट नीचे गिरा है, 420 पॉइंट दो दिन में गिरा है, ठीक है। और देख लीजिए आप, ये देखिए ये गैप बना हुआ है, ठीक है, ये रहा 10 AM में, इतनी देर से अलग, ये देख लीजिए, एक दो तीन, तीन दिन में कहां से कितना गिरा है, 18,600 से इसको छूने के लिए 500 प्लस पॉइंट। ये तो यहां नाटक कर दिया इसने, ठीक है, माल चिपकाने के लिए। ये देखिए, ये तो किस, मैं सच बता रहा हूं, यहां पे सी बाय करके प्ले करना जब भी 10 AM में से अलग हो ज्यादा दिन रिस्की होता है, आपको टॉप से सेल ही मारना चाहिए, ठीक है। ये सीख लेंगे तो अच्छा है। और कौन कह रहा है आपको सेल करने को यार, आप अगर बुल हैं तो 4 दिन इंतजार कर लो, मैं तो ये कह रहा हूं। अगर आप बुल हैं, राकेश झुनझुनवाला जी के पिताजी हैं, बिग बुल हैं, करो भाई, भाई करो, कौन मना कर रहा है, बट इसको टच होने दो, ठीक है। तो ये था दोस्तों, अभी चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे के लिए। ये इसने बिल्कुल सपोर्ट पे ही क्लोज किया है, जहां तक मेरी, मैं इसको लगा के बैठा हुआ था लाइन को, और कल अगर ये ब्रेक होती है लाइन, ठीक है, कल अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो हमको यहां तक भी देखने को मिल सकता है। और ये लेवल है आपका 18,012.10, ठीक है, और 18,000 टूटा तो 17,940, 17,000, एक मिनट, पहला टारगेट है आपका 17,960, ठीक है, 17,960, 18,000 पहला टारगेट है, 17,960 आपका दूसरा टारगेट है, ठीक है, और तीसरा टारगेट है आपका 880, बस सिंपल। और ये लाइन अगर टूटती है, जिसके इसके निफ्टी अगर इस तरफ प्ले करना चालू करता है इस तरफ, तो फिर वो सेल ऑन राइज हो जाएगा, सेल ऑन राइज हो जाएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, और बने रहिएगा साथ। मैं कभी नहीं चाहूंगा दोस्तों किसी का नुकसान हो, आप लोग खुद गलती करते हो, प्रॉफिट बुक नहीं करते हो। यहां से निफ्टी ने टॉप से इतनी बार बार नीचे की तरफ गिराया है, बट आप उसको लेके बैठ जाते हो, और आपको कैरी भी सेम वीक सीपी करनी है, सेम वीक की आपको पुट कैरी करनी है। अगर पोजीशन कैरी करनी पड़े तो वो कम से कम नेक्स्ट वीक की तो होनी ही चाहिए, नहीं तो उसका खुलते ही प्रीमियम आपको मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो पैरेलली मतलब फ्लैट ही खुल गया मार्केट, वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सेम वीक सीपी कैरी करना, अगर आपके पास कोई स्टडी भी है तब भी वो सट्टा ही है, लॉटरी है। फिर वो निर्मल बाबा वाला मैं कृपा बरसे ही बोल सकता हूं, और कुछ नहीं बोल सकता उसमें, चाहे टारगेट भी आ जाए। चलिए दोस्तों, ये अभी आप क्लोजिंग के बारे में बात करेंगे तो पिछले 1, 2, 3, 4, 5 डेज की लोवेस्ट क्लोजिंग है। और मेरा तो मतलब तजुर्बा जो कहता है कि 5 दिन की अगर लोवेस्ट क्लोजिंग आए कहीं पे वो, तो फिर मार्केट उस दिशा में ही चलता है। अगर 5 दिन की हाईएस्ट क्लोजिंग आए तो नेक्स्ट डे उस दिशा में ही चलता है, बट ये चीज कोई 100% सही नहीं है। कल बैंक निफ्टी ने इस चीज को गलत साबित किया, ठीक है, कल बैंक निफ्टी ने इस चीज को गलत साबित किया। अब बात करते हैं थोड़ा सा लेवल्स की दोस्तों। निफ्टी में आप देखेंगे, अगर अगर निफ्टी 18,150 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, ठीक है, तो कोई सेल साइड का व्यू फिर नहीं है, कोई भी सेल साइड का व्यू नहीं है। और 18,080 ये अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ के जो लेवल मैंने बोले हैं 18,000, ठीक है, 18,000 खुद लगा लीजिएगा, 960 और 880 ये आपको दिखने चाहिए, जिस हिसाब से स्क्रीन पे माल छोड़ा गया है और 3-4 दिन से जो ये कर रहे थे, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। बट मार्केट है भाई, मार्केट इज सुप्रीम। इस लेवल के ऊपर निकले 150, नो सेल। इनफैक्ट वी विल ट्राई टू बाय अबव
18, 180, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो बाइंग के लिए भी एक बार सोचेंगे, बट फिलहाल व्यू नीचे की तरफ का ही है मार्केट को लेके, निफ्टी को लेके स्पेशली। अब आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का भी मैं बताता हूं आपको क्या हुआ है आज। आप ये देखेंगे ये पूरा एलियट वेव का स्ट्रक्चर जो था इसने वो पूरा किया, ठीक है। यहाँ पे ये वन, ये टू, ठीक है, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, इसको और पूरा शॉर्ट कवरिंग टाइप रैली थी, और वहां से इतना नीचे गिरा दिया इसको, मतलब क्या चीज के लिए चढ़ाया पता नहीं, समझ से परे था बैंक निफ्टी को इतना ऊपर लेके जाना, बिल्कुल समझ से परे था। बट क्लोजिंग जो आई है एक बार वो देखते हैं, क्लोजिंग क्या आई है भाई। क्लोजिंग है 38,207, प्रोविजनल क्लोजिंग तो यहाँ पता लगेगी 210, और निफ्टी की 113, तो 210 आई है क्लोजिंग। तो कहाँ गया हमारा बैंक निफ्टी, ये रहा, तो 210। और कल की क्लोजिंग क्या थी, 216, कल से भी नीचे। लो कल से भी नीचे बैंक निफ्टी, तो भैया मेरे को यहां आता हुआ दिख रहा है 37,800, ठीक है, 37,500 और 37,200, ये 37,200 स्क्रीन पे दिख जाना चाहिए आपको जैन मंथ में ही, जनवरी के महीने में, ठीक है। बट इसके लिए प्ले कब करना है, सिंपल सी बात, मैं 3 दिन से जो गाना गा रहा हूं, 38,000 टूटे तब, 38,000 नहीं टूटता बैंक निफ्टी कहीं नहीं जाने, कहीं नहीं जाने वाला, उसमें कुछ नहीं होने, 38,000 टूटना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों, तभी सेल मारना है। और बैंक निफ्टी 210 की क्लोजिंग एक बार फिर से देखें क्या, मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा, 38,210, बढ़िया भाई। और 38 अगर 210 की क्लोजिंग है तो कल की क्लोजिंग है आपकी 216, ये वाली क्लोजिंग है 370, ये तो है ही नीचे, ये भी नीचे, ठीक है। चलिए दोस्तों यही है, बाई का तो अभी फिलहाल देखते नहीं है, कल को 200-250 पॉइंट तो बैंक निफ्टी और गिरना चाहिए, ठीक है, एक बार को 38,000 के नीचे बैंक निफ्टी जाना चाहिए भाई, जिस हिसाब से चार्ट बन चुका है अभी जो दिख रहा है मुझे, उस हिसाब से मैं आपको कह सकता हूं। कल भी 200-250 पॉइंट तो मेरे ख्याल में इमीडिएटली दे देगा आपको, 250 से लेके 300 पॉइंट बैंक निफ्टी आराम से दे देगा, देना चाहिए, ठीक है। बट अगर ये इस बार 38,500 के ऊपर निकला इस बार, ठीक है भैया, मार्केट है कुछ नहीं कह सकते, जो मेरे को दिख रहा है मैं उस हिसाब से कह सकता हूं आपको। ये देख लीजिए आप, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छः, ये सात, 7 दिन से तो भैया लोवेस्ट क्लोजिंग है, और ये पूरे जोन की, ये वाले जोन की यहाँ लोअर लो ही बनते जा रहे, तो विच क्लियरली शोज वीकनेस है। तो ये अगर टूटता है लेवल 37,900, तो इसके नीचे 5 मिनट भी होल्ड हो जाता है ना, 37,940, इसके नीचे अगर होल्ड हो जाता है बैंक निफ्टी, बिंदास ठोकिए आपको 37,500, 37,400 देखने को मिलेगा, 37,400 तक तो आराम से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है दोस्तों अपसाइड का व्यू, फिलहाल कल के लिए नहीं है जो प्राइस एक्शन दिख रहा है मुझे, और इस पे भी नजर बना के रखिएगा, अगर 2 आवर्स पे ईएमए इसको क्रॉस कर देता है फिर तो डेफिनेटली आपको यहां तक तो आता हुआ मिलेगा ही, 37,800 के आसपास। चलिए एनालिसिस बंद करता हूँ, यही है दोस्तों, सीखेंगे तो अच्छा है, इनके ऑपरेटर के जाल में नहीं फंसेंगे, मतलब इतना इन्होंने हद कर दी ये इसको करने के लिए,
लोगों के दिमाग में घुसाने के लिए 300 के ऊपर क्लोज भी किया इन्होंने कल, ठीक है, कल 300 के ऊपर क्लोज भी किया। वहां पे जितने कॉल राइटर थे, आप डेटा देखेंगे, 70,000 75,000 प्लस वहां पे कॉल राइटर थे रिटेलर, वो पूरी पोजीशन काट के गए 300 के ऊपर क्लोज होने पे, और दे वर द नेट बाइंग ऑफ कॉल्स, आप कल का डेटा देखिए, ठीक है, अगर वो बिल्कुल सही रहता है तो वो पूरे कॉल में आए, फिर इन्होंने नीचे किया, फिर ऊपर लेके गए। तो भाई अगर आपको मैं सही बोलूं, नॉलेज अगर नहीं है थोड़ी सी और ऐसे ही ऊपर नीचे होके और एक तरफा होके रहते हैं तो बहुत मुश्किल है। पिछले साल की तरह नहीं रहेगा 2022, पिछले साल की तरह नहीं रहेगा कि भैया जब मिले बाय कर लो, जब मिले बाय कर लो, ठीक है। टेक्निकल्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जो बेकार का पैसा घुसता था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, पूरे वर्ल्ड मार्केट में, वो पैसा अब नहीं घुसेगा, इनफैक्ट वो पैसा अब निकलेगा, धीरे धीरे करके निकलेगा वो पैसा। तो सीखिए दोस्तों, ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।